हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे मेरा लुक मतलब कि मेरा ब्लैक मार्क्स और ब्लैक स्कार्फ। तो आज से हर वीडियो में मैं इसी लुक में आऊँगी। हर वीडियो में मेरा ब्लैक स्कार्फ होगा, ब्लैक मार्क्स होगा, ठीक है। तो मैंने आज वीडियो स्टार्ट कर ली है और रोहन जो है सोया हुआ है, ठीक है। और अनाबिया जो है अनाबिया ट्यूशन चाहिए ना। सबको हाय करो। हाय हाय। देखे गाइस मेरी बाजू, देखे गाइस मेरी बाजू में मावा दिया है हमको। जुमेरात है ना, तो न्याज होती है, फिर जुमेरात के दिन हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है, जैसे कि खरीद मतलब कुछ ना कुछ देता है। जुमेरात वाले दिन हर किसी के घर में ही होता है। तो अनाव्या की बाजी ने अनाव्या को मावा दिया है, तो वही दिखा रही है आप लोगों को। तो ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए फिर किचन में मिलते हैं रोज की तरह। तो आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाना है, आज मैंने बनाना है आलू और अंडे का सालन बनाना है, ठीक है। बस सिंपल सी रेसिपी बनानी है, ज़्यादा कुछ और ब्लैक इन हो गया है, ब्लैक इन। तो आप लोग मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आजकल कमेंट्स आप लोग करते नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब हो गए सबके सब। तो बस अभी यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फिर मिलती हूँ किचन में आप लोगों से, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरी चाय हो रही है और यहाँ पर जो है अंडे का सालन की तैयारी कर रही हूँ। तो अंडे जो है मैंने उबालने के लिए रख लिए हैं, एक आलू भी उबाल लूँगी इसके साथ ही साथ, ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय, और जिसको चाय पीनी है तो आ जाए फटाफट से चाय पीने के लिए, ठीक है। तो बस मिलती हूँ थोड़े टाइम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने सालन की तैयारी की और बना भी रही हूँ साथ ही साथ। तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो शाम के टाइम यही होता है मेरा, खाना बनाना होता है। पहले तो चाय पीनी होती है, चाय पीने के बाद जो है मैं खाना तैयार करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, ठीक है। तो बस ये बिल्कुल ईजली मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं मैंने प्याज और ब्लेंडर में सब कुछ पीस लिया था, तो बिल्कुल आसानी से बन गया सालन। और इसमें टाइम भी नहीं लगता है और आसानी से बन जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, लेकिन फाइनली मैंने जो है अंडे का सालन बना ही लिया। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा सालन, जो अंडे का सालन था साग, वो तैयार हो गया था। तो मैंने कहा फाइनल लुक जो है मैं आपको दिखाऊं। अंडे जो थे मेरे वो बिल्कुल टूट चुके थे, आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, अभी खाना है तो खा लेंगे और क्या। तो बस यहाँ पर जो चावल है वो भी मैंने आपको दिखाया कि चावल भी मेरे तैयार है, जिसको खाना है आ जाइए। तो बस ये दिखाना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अनाब्या का मैंने फ्रॉक तैयार किया है, आपको मैंने दिखाना है, ठीक है। तो ये फ्रॉक की कुछ यू डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है आपको किस तरह लगा ये फ्रॉक। ये मैंने खुद ने सिया है, ठीक है। तो ये इसकी स्लीव्स है, ये कुछ इस तरह से मैंने झालर बनाई है इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो है शीशे लगाए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो है दुपट्टा है, यहाँ स्लिप्स नहीं लगाई है, यहाँ लगाई, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ दुपट्टा है जो कि मैंने जो सील लिया है, ठीक है, मशीन की सिलाई से इसको, क्योंकि अनाबे उठाती है नहीं, तो ये इस तरह का होगा तो ये पहन लेगी। तो ये दुपट्टा है, लेस लगवाई है बाहर से, और ये कुछ शीशा लगाया है मैंने, और ये कुछ ऐसा लटकन सा है, ठीक है। तो ये दुपट्टा है और ये फुल लुक है। ये मैक्सी है, ठीक है, ये मैक्सी है, लंबी मैक्सी है, और नीचे ये झालर है और ये गेयर है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये सूट, अनाब्या का मैक्सी कैसी लगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में,
तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।